नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना का कहर और उसकी लहर ये तस्वीरों में बार बार देखी गई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना को लेकर तमाम तरह के नियम और गाइडलाइंस बार बार जारी की जाती रहीं, बदलती जाती रहीं, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि लॉकडाउन जिस तरह से लगाया जा रहा है, अब इसे लॉकडाउन कहा जाए या फिर आंशिक लॉकडाउन कहा जाए। योगी सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की। नाइट कर्फ्यू तो ठीक था, रात में सन्नाटा सड़कों पर दिखता था, लेकिन लॉकडाउन जब से लगाया गया और हफ्ता दर हफ्ता इस लॉकडाउन को बढ़ाया भी गया, अभी फ़िलहाल 17 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। ये आंशिक लॉकडाउन है या पूर्ण लॉकडाउन है, ये तस्वीरों से समझा जा सकता है। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए, तब कोरोना की लहर चल रही थी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब कोरोना की लहर चल रही थी। लेकिन ना तो केंद्र की मोदी सरकार को वो लहर दिखी, ना ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को वो लहर दिखी। और इसी लहर के कहर में हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कब्रिस्तानों में लंबी लंबी कतारें लगी, शमशान घाट पे लंबी लंबी कतारें लगी, ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइनें लगी, हॉस्पिटल में बेड न मिला उसके लिए लंबी लाइनें लगाई गई। और अब आज जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये लखनऊ का वो चौराहा है जिसे मंडी क्रॉसिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर किस जगह दिखाई दे रही है। तस्वीरों में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि लॉकडाउन में पुलिस की ड्यूटी कैसे लगाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, इस चौराहे को दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। किस तरह से मैंने वो तस्वीरें भी आपको दर्शकों दिखाई हैं कि लॉकडाउन को किस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा है, कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। योगी सरकार के लॉकडाउन की तस्वीरों में बार बार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। आज भी हमने कई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से पहुँचाई, अलग अलग जनपदों की दिखाई, और विशेष रूप से राजधानी लखनऊ में वो तस्वीरें हम आपको रोज़ दिखा रहे हैं। कैसे हो रहा है लॉकडाउन का पालन, कैसे कराया जा रहा है लोगों से पालन, ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ईद का पर्व है, हालांकि कल ईद है, एक बड़ा पर्व होता है मुस्लिम समुदाय का, जिसके लिए लोग निकलते ज़रूर हैं घरों से। लेकिन दर्शकों से भी ये अपील है कि घरों से ज़रूर निकले, लेकिन तमाम नियमों का पालन करते हुए निकले। पुलिस अपना काम कर रही है, वो जिस तरह से काम कर रही है ये हम तस्वीरों में आपको दिखाते रहे हैं। और आज की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, और इस साइड भी हमारे देख सकते हैं, हमारे ठीक पीछे भी देख सकते हैं, और ये पुलिस बूथ यहाँ पर बना हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं कितनी संख्या में पुलिस कर्मियों को लगाया गया है इस बड़े चौराहे पर, जो काफ़ी नामचीन चौराहा कहा जाता है लखनऊ का, ख़ास तौर पर पुराने लखनऊ का मेडिकल कॉलेज चौराहा या मंडी क्रॉसिंग इसे कह सकते हैं। फिलहाल पुलिस अपने आराम और अपने पूरी तरह से सुख सुविधाओं में मस्त दिख रही है, और प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्राही त्राही करती नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए इन तस्वीरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए टुडे प्रेस इंडिया।